गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस आ गया था जिसकी वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आज बात कर रहा हूँ आपके दिनेश नॉलेज प्लस 2018 के बीए पार्ट वन के सेकंड पेपर के बारे में, जनरल इंग्लिश का सेकंड पेपर के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे आपको बता रहा था कि हम बात कर रहे थे आंसर आंसर मैंने कहा कि आपसे ये वर्ब भी अपने आप में नाउन भी है। वर्ब जो होता है उत्तर देना होता है और आंसर माने उत्तर देना, और आंसर माने सिर्फ आपका उत्तर भी होता है। जैसे कि मैंने उसको उत्तर दिया तो आई आंसर्ड हिम, अगर फीमेल है तो आप कह सकते हैं कि आई आंसर्ड हर। और नाउ अगर आपको ये कहना है कि मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और मेरे जहन में एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस आ रहा है, कभी आपको ये कहना पड़ता है कि मैं क्या जवाब दूँ, वाट आंसर शुड आई मेक। ओके, मेक आंसर मतलब जवाब देना, यहाँ पर जो है आपका मेक आंसर का मतलब जवाब देना, व्हाट आंसर शुड आई मेक। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट रिप्लाई। रिप्लाई अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब कहते हैं जवाब देना और मतलब कि, और नाउन हो गया जवाब। ठीक, यहाँ पर रिप्लाई का मतलब है जवाब देना और जवाब। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ ये ऐसा क्यों है। जैसे कि आपने किसी को खत लिखा है, या आपने किसी को व्हाट्सएप किया है, या आपने किसी को मैसेज किया है, या आपने किसी को टेक्स्ट भेजा है, या आपने किसी को ईमेल किया है, तो आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वर्ड रिप्लाई। जैसे कि आपने कहा कि आपने मेरा जवाब नहीं दिया, तो यू डिड नॉट रिप्लाई। ओके, और यू कह सकते हैं आप कि यू कैन से लाइक दैट, यू डिड नॉट रिप्लाई माई ईमेल, यू डिड नॉट रिप्लाई माई एसएमएस और मैसेज। ओके, और टेक्स्ट भी कहते हैं उसको, तो आप इस तरह से कह सकते हैं इसको। और प्लीज़ रिप्लाई मी मतलब मुझे जवाब दीजिए। ओके, और अगर आपको ये कहना है कि मैं आपके ईमेल का इंतज़ार कर रहा हूँ तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, वहाँ पर आप आंसर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत के दौरान हम आंसर इस्तेमाल करते हैं। ओके, बातचीत के दौरान हम आंसर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं पर हमारी बातचीत तो हो रही है लेकिन थ्रू टेक्स्ट या कुछ रिटेन या ईमेल या मैसेज के जरिए हो रही, तो वहाँ पर हम वर्ड रिप्लाई इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका एंशियंट। कहते हैं आपका बहुत पुराना, पुरखों का। एंशियंट कहते हैं बहुत पुराना या पुरखों का। जैसे आप कह सकते हैं कि I have an ancient watch। मेरे पास एक बहुत पुरानी घड़ी है, मेरे पास एक पुरखों की घड़ी है। आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आप वहाँ ये भी बोल सकते हैं, जैसे आपको ये कहना है कि एंशियंट। ओके, इंडिया हैज़ ए वेरी एंशियंट कल्चर। कल्चर होती है बात हमारी संस्कृति। ओके, तो आप वहाँ पर बोलेंगे कि हिंदुस्तान का जो वो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ओके, मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा पढ़ाने में बिजी हूँ। तो रेहान साहब थैंक यू वेरी मच, सिद्धार्थ रस्तोगी जी थैंक यू वेरी मच, दानिश मेहंदी जी थैंक यू वेरी मच हाय, एंड सैयद सना जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी हूँ इसलिए मैं थोड़ा आप पर देख रहा हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना टाइम लगा रहे हैं, कीमती, थैंक यू। तो मैं आप लोगों के लिए अगला पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। एंशियंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ओल्ड माने भी होता है पुराना। ओके, और ओल्ड मतलब बुरा भी होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सम पीपल लाइक ओल्ड सॉन्ग, और आप ये भी कह सकते हैं कि हर ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड। पहले वाला सेंटेंस ये हो गया कि सम पीपल लाइक ओल्ड सॉन्ग मतलब कुछ लोग पुराने गाने पसंद करते हैं, और हर ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड उसकी जो दादी है बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम एसेंट, एसेंट कहते हैं सहमति देना, इजाज़त देना। ओके, परमिशन देना, अनुमति देना, इस सब का मतलब होता है। इस सब का जो इंग्लिश में वर्ड आएगा वो होगा एसेंट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फादर गेव हिज एसेंट टू आर प्रपोजल
फादर गेव हिज एसेंट, मतलब पिताजी ने अपनी अनुमति या अपनी इजाजत दे दी हमारा जो प्रपोजल था, उन्होंने कोई प्रपोजल रखा हो, कोई जाने का आने का या कोई बात रखी होगी, तो द फादर एक्सेप्टेड, द फादर एक्सेप्टेड द प्रपोजल, इट मीन दैट द फादर, ओके, द फादर गेव हिज एसेंट टू आवर प्रपोजल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंट, एसेंट देखिए उसकी जो एसेंट है पहला वाला जिसकी सहमति थी वो ए एस सी एन टी, अब जो दूसरा वाला जो है इसका ए एस सी ई एन टी, ओके, हमें यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर ए एस सी एन टी, एसेंट आप जानते हैं ये आपका जो कहलाता है एसेंट चढ़ाई, ओके, जैसे कि द एसेंट ऑफ द हिल इज वेरी टफ, द एसेंट ऑफ द हिल इज वेरी टफ एंड वी गॉट वेरी टायर्ड वाइल असेंडिंग द हिल्स, पहाड़ पर हम चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि उसकी चढ़ाई जो थी बहुत ज़्यादा टफ थी, और आप ये भी कह सकते हैं द एसेंट टू द हिल इज वेरी रिस्की, ओके, बहुत सारे इंडिया में माउंटेन्स हैं जहाँ पर कहना चाहिए कि जिसका जो एसेंट है, जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि द एसेंट टू द हिल इज वेरी रिस्की और वेरी टफ, बहुत खतरे वाली है और बहुत परेशानी वाली है। नेक्स्ट वर्ड करते हैं कंसेंट, देखिए कंसेंट माने भी होता है सहमति, कंसेंट माने भी होता है सहमति, ये अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है, ये अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है, जैसे आप कह सकते हैं कि माई वाइफ गेव हर कंसेंट ऑन द सेटलमेंट ऑफ द मैरिज, ओके, माई वाइफ गेव हर कंसेंट ऑन द सेटलमेंट ऑफ द मैरिज, मेरी जो बीवी है उसने अपनी सहमति दे दी, अपनी इजाजत दे दी, ओके, शादी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिएबल, एमिएबल जो है वो कहलाता है आपका प्रिय या स्नेही, ओके, स्नेही स्वभाव का, मतलब जिसके अंदर मित्रता देखी जाती है, जो कहना चाहिए बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, उसे हम एमिएबल कहते हैं, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ओके, आप कह सकते हैं कि शी इज ए गर्ल ऑफ एमिएबल नेचर, शी इज ए गर्ल ऑफ एमिएबल नेचर, मतलब शी इज ए गर्ल ऑफ स्वीट नेचर, वो अच्छे स्वभाव की है, एंड यू कैन से दैट शी इज स्वीट वोकल, लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि यूज करने का आएगा तो आपको सिर्फ एमिएबल ही वर्ड यूज करना है, भले ही मैं आपको चार पांच एग्जाम्पल्स बता दूं, लेकिन प्लीज आपको यही वर्ड इस्तेमाल करना है कि शी इज ए गर्ल ऑफ एमिएबल नेचर, ओके, और आप ऐसे भी कह सकते हैं हर नेचर इज एमिएबल, हर नेचर इज एमिएबल, ओके। नेक्स्ट है एमिकेबल, एमिकेबल ये भी एक अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका भी मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मतलब फ्रेंडली या स्नेहशील, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली या स्नेहशील, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देयर आर नो एमिकेबल रिलेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, ओके, देयर आर नो एमिकेबल रिलेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाई हैं उनके अंदर कोई कहना चाहिए कि इसने पूर्वक, वह लोग इसने पूर्वक नहीं रहते, या उन लोगों का जो नेचर है, जो आदत है वो मैत्रीपूर्ण नहीं है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, ओके। नाउ एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट कहते हैं एक तरह से कि ताज्जुब, हैरत, ओके, ताज्जुब या हैरत, आप कह सकते हैं कि द फॉरनर वॉज फीलिंग एस्टोनिश आफ्टर सीइंग द ताजमहल, मतलब जो फॉरनर था उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, एस्टोनिशमेंट हुआ उसको ताजमहल को देखकर। नेक्स्ट है आपका सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज माने भी आपका एक तरह से हैरत होता है, और किसी को अचानक आप कोई बात बताएं, हैरत में डालें या अचंभे में डालें, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सरप्राइज, ओके। सपोज कीजिए कि इफ समबडी वर्क्स वेरी हार्ड फॉर हिज आर हर एग्जामिनेशन एंड गॉड फॉरबिडिंग, खुदा ना करे ही आर शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन और अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, हिज आर हर विशेज, वट एवर की विस्ट, जो कुछ भी वो सोच रहा था कि हाँ साहब इतने नंबर आने चाहिए और नहीं आए, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हिज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन, हिज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज मैटर ऑफ सरप्राइज टू मी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई खरा नहीं उतरता है, ओके, तो हमें बड़ा बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है,
ओके। देखिए सरप्राइज और शॉक में थोड़ा फर्क होता है। शॉक माने भी एकदम अचंभा होना, सदमा होना, लेकिन कोई ट्रेजिक न्यूज होता है तो वहां पर हम शॉक का इस्तेमाल करते हैं, और कोई प्लेजेंट न्यूज होता है तो वहां हम सरप्राइज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें जो हम उम्मीद नहीं करते और अचानक हमें कुछ कुछ हो जाता है, समथिंग अनफेयर, व्हेन समथिंग अनफेयर हैपेंस, जब कुछ अप्रिय हो जाता है तो वी फील सरप्राइज, तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि हिज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज अ मैटर ऑफ ए ग्रेट सरप्राइज टू मी। मतलब मैं वो सोच रहे थे कि मुझे तो उम्मीद थी कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, लेकिन वे नहीं हुए। तो सम टाइम इट हैपेंस एंड इन सच अ कंडीशन वी कैन से लाइक दैट। और आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई अचानक आ जाए और आप देख रहे हैं तो आप कहें ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ओके। और आप कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ विश करना है एंड सपोज दैट समवनस बर्थडे इज गोइंग टू फॉल, किसी का बर्थडे आने वाला है और आप कह सकते हैं कि यू हैव मैनेज्ड ऑल द थिंग्स फॉर हिज हर बर्थडे, आपने उनके बर्थडे के लिए सारी तैयारी कर ली है एंड यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन गिविंग द पर्सन सरप्राइज ओके, और आप इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें सरप्राइज देने में। सो ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू डू समथिंग फॉर समबडी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सरप्राइज। थैंक यू। नाउ वी टॉक अबाउट वंडर, आपका जो हुआ एक तरह से अजूबा ओके, और देर आर सेवन वंडर्स ओके ऑफ द वर्ल्ड, सात अजूबे हैं। तो आप कह सकते हैं कि द ताजमहल इज ए ग्रेट वंडर ऑफ दैट ऑफ द वर्ल्ड ओके। ये भी एक कहना चाहिए, जो ताजमहल है ये भी एक अपने आप में दुनिया के अजूबों में से एक है ओके। नेक्स्ट है आपका नंबर 9 पर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी आप कहते हैं कि जरूरत ओके। एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर एडवर्सिटी से सेंस ये भी लगता है कि कोई चीज़ की जरूरत, जैसे कि आपने कहा कि एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ओके। ये भी एक सेंस उसी का लगता है, जैसे कि कैलामिटी होता है ऐसी एडवर्सिटी होता है। अब नाउ वी टॉक अबाउट कैलामिटी, फूड प्रोवाइड ए ग्रेट कैलामिटी टू द फार्मर्स ओके। ये जो फूड है ये बहुत ज़्यादा कैलामिटी प्रदान करता है, इसको ये चीज़ देता है टू द फार्मर्स, किसानों को ओके। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि टुडे राइट नाउ आई हैव टू रीच समवेयर, मुझे कहीं पहुँचना है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो एंड तो मैं इसको लेसन को दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन राइट नाउ आई हैव टू रीच समवेयर, मुझे कहीं पहुंचना है ओके। हाँ थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आपको कि जहां पर हमें कोई कंपल्शन होता है या मजबूरी होती है और हमें कहना होता है कि मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे कहीं जाना है, तो वहां हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। वरना लोग ये समझते हैं कि वो जैसे लोग कहते हैं कि मुझे चाय पीनी है, वो कहते हैं आई हैव टू टेक टी। अगर आप कोई रोज़ाना काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हैव टू का इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पर आपका कंपल्शन होता है, कोई मजबूरी होती है, तो आप इस बात को हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। वरना सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो उसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना है आपको कहना है तो आई एम टू गो, उसे जाना है ही इज टू गो, मुझे कुछ काम करना है ओके आई हैव टू डू ए पीस ऑफ वर्क, और उन्हें थोड़ी देर में वहाँ पहुँचना है, दे आर टू रीच देयर इन सम टाइम। क्या आपको कुछ पूछना है, आर यू टू आस्क एनीथिंग। तो यहाँ पर हम इस आरम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब लोग आदि हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं ये सब बोलने का, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कहाँ पर इनको क्या कहना है। क्योंकि उसकी वजह भी है कि बहुत से लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूँ तो विल का इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग, आई विल प्लीज़ कीप माई वर्ड्स इन योर माइंड। थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका पेपर है ग्रामर का, और ध्यान में रखिएगा आई ओ वी के साथ शेल आता है, जैसे मुझे पहुंचना मैं जाऊंगा तो आपको कहना आई शेल गो, अगर आप आई विल गो कर जाए पेपर में ऑप्शन में आपके विल भी है, शेल भी है, वुड भी है ओके, तो आप विल कर जाते हैं तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका सेंस लगेगा मैं वहाँ जरूर जाऊँगा ओके।
मैं वहां अवश्य जाऊंगा या मैं वहां जाऊंगा ही, तो ये बात का ध्यान में रखिएगा। और वी के साथ शेल आता है, आई ओ वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। अब आपको ये कहना बरसात होगी तो इट विल रेन, अगर आपको कहना बरसात जरूर होगी तो इट शेल रेन, हम जाएंगे, वी शेल गो, हम ये काम जरूर करेंगे तो वी विल डू दिस वर्क। तो थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रामर में बोलने में भले ही लोग बोल देते हैं, चलिए कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ग्रामर के पेपर में आप अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं या किसी भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या वो एक्टिव हो या पैसिव हो, तो ध्यान में रखिएगा आई ओ वी के साथ शेल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर वॉचिंग मी। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नाम अर्शद अली सर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वो आपको अर्शद अली सर के नाम से मिल जाएगा। एफ बी पर भी मैं ऑनलाइन और लाइव क्लासेस देता रहता हूँ, एंड यस समटाइम्स आई आल्सो एंजॉय माई सेल्फ बिकॉज आई एम वेरी मूडी टू। ओके, कभी कभी मूड होता है कि कुछ इंजॉय करने का तो मैं इंजॉय भी करते रहता हूँ। और अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहें तो नंबर मेरा 9897127124, 9897127124, 98977 12674। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।